हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कंपनी है दोस्तों, यानी बेल कंपनी जो है, वो यहाँ पर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करने का दोस्तों यहाँ पर मौका दे रही है, यानी अपॉर्चुनिटी दे रही है दोस्तों। लेकिन सबसे पहले ये क्या करेंगे दोस्तों, बेल कंपनी आपका रिटन टेस्ट जो है कंडक्ट कराएगी, यानी वॉक इन सिलेक्शन के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा। और रिटन टेस्ट में जो आपके मार्क्स दोस्तों आएंगे, उसी बेसिस पर यहाँ पर मेरिट तैयार होगा और फिर आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। मान लीजिए दोस्तों आपका यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है, तो सिलेक्ट करने के बाद आपको जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, ये 1 ईयर की आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, यानी 12 महीने की आपको यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। 12 महीने के दौरान दोस्तों हर महीने आपको यहाँ पर स्टाइपेंड भी इनकी तरफ से दिया जाएगा और ट्रेनिंग भी दोस्तों इनकी तरफ से प्रोवाइड करेंगे। स्टाइपेंड कितना मिलता है दोस्तों, 12,500 रुपए ये आपको पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर देंगे, साथ ही साथ ट्रेनिंग भी प्रोवाइड होगी। और यहाँ पर बताए गए हैं दोस्तों कि अगर आपने इन ब्रांचेस में डिप्लोमा किया है दोस्तों, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं दोस्तों रिटन टेस्ट देने के लिए। सबसे पहले देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपने अपना डिप्लोमा किया है तो दोस्तों आप यहाँ पर वॉक इन सिलेक्शन के लिए जा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्शियल प्रैक्टिस, तो ये जो दिए गए ब्रांचेस हैं दोस्तों, इनमें अगर आपने अपना डिप्लोमा किया है तो दोस्तों आप यहां पर एलिजिबल हैं, आप वॉक इन सिलेक्शन के लिए जा सकते हैं। कब आपको जाना है? 27 सितंबर 2023, 27 सितंबर 2023 सुबह के 10 बजे आपको यहां पर जो है रिपोर्ट करना है, यानी 10 बजे आपको वहां पर पहुंचना है दोस्तों वॉक इन सिलेक्शन के लिए। कौन सी लोकेशन पर आपको जाना है वो अभी आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल आप यहां पर देख लीजिए दोस्तों, 27 सितंबर 2023 सुबह के 10 बजे आपको यहां पर वॉक इन सिलेक्शन के लिए जाना है। नीचे यहाँ पर दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या लिखा है कि कैंडिडेट्स डोमिसाइल मस्ट बी फ्रॉम साउदर्न रीजन, यानी कैंडिडेट की जो डोमिसाइल है दोस्तों वो कहाँ की होनी चाहिए? साउदर्न रीजन की होनी चाहिए, यानी कि आप कर्नाटका के होने चाहिए, तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के, केरला के और पुडुचेरी के हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर, आपके लिए ही ये अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग, ये जो अप्रेंटिसशिप के लिए वॉक इन सिलेक्शन के लिए आपको ही यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, ठीक है। साथ में क्या लिखा है दोस्तों कि जो आपने डिप्लोमा है वो 1/1/2021 में कंप्लीट किया होना चाहिए, या फिर इसके बाद अगर आपने किया है, मान लीजिए 2022 में किया है तो भी आप इलिजिबल हैं, 2023 में कंप्लीट किया है तो भी इलिजिबल है, यानी 1/1/2021 या फिर उसके बाद आपने डिप्लोमा अपना कंप्लीट किया होना चाहिए तो दोस्तों आप यहाँ पर इलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, यानी वॉक इन सिलेक्शन के लिए आप यहाँ पर इलिजिबल हैं दोस्तों, जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देख सकते हो दोस्तों, जनरल कैटेगरी के लिए ज्यादा से ज्यादा एज आपकी 25 साल होनी चाहिए, और उसके अलावा अगर आप SC ST में आते हैं तो 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, OBC वालों को 3 साल का और पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों को 10 साल का यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों कि मिनिमम परसेंटेज आपकी डिप्लोमा में कितनी होनी चाहिए, अगर आप जनरल और OBC कैंडिडेट हैं तो 50% आपके मार्क्स डिप्लोमा में होने चाहिए मिनिमम, ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी हो दोस्तों बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम तो 50% होने चाहिए। और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो मिनिमम आपके डिप्लोमा में 40% होने चाहिए या फिर इससे ज्यादा अगर है तो अच्छी बात है, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों आपने कोई भी मतलब हायर एजुकेशन जो है अभी प्रेजेंटली दोस्तों आप यहाँ पर हायर क्वालिफिकेशन में परस्यूइंग नहीं होने चाहिए, यानी अगर आप कोई हायर क्वालिफिकेशन अभी पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों अभी रिसेंटली, तो दोस्तों आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है अप्लाई कर, मतलब आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, आप यहाँ पर वॉक इन सिलेक्शन के लिए नहीं जा सकते हैं। साथ ही साथ नीचे यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, रिटन टेस्ट आपका लिया जाएगा, उसमें जो मार्क्स सिक्योर आप करोगे उसी बेसिस पर यहाँ पर मेरिट तैयार होगा और सिलेक्शन आपको यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो बेल की वेबसाइट पर ये पब्लिश कर लेंगे, जो भी सिलेक्ट होंगे देख सकते हो नीचे, मंथली स्टाइपेंड 12,500 रुपये आपको दिया जाएगा जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इसके अलावा जो भी होगा दोस्तों, हॉस्टल, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें आपको खुद से अरेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। और साथ ही साथ नीचे यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है दोस्तों कि कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह कोई भी यहाँ पर नहीं देंगे, जो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जब आप जाओगे दोस्तों वॉक इन सिलेक्शन के लिए, तो कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंसेस आपको नहीं दिया जाएगा, ये आपको अपने खर्चे पर ही जाना है। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने ईमेल आईडी भी प्रोवाइड की है, इसी वाली ईमेल आईडी पर आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब ये एड्रेस देख लीजिए दोस्तों, 27 सितंबर पर जहां पर आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है वो यहाँ पर ये एड्रेस दिया गया है। वॉक इन सिलेक्शन वेन्यू क्या रहेगा?
होंगी राना सेंटर फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जलाहली पोस्ट, बेंगलुरु 560013। तो ये यहाँ पर एड्रेस रहेगा दोस्तों, जहां पर आपको 27 सितंबर को जाना होगा सुबह के 10 बजे दोस्तों, वॉक इन सिलेक्शन के लिए। आप अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं दोस्तों बेल कंपनी से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करने के लिए। ठीक है दोस्तों, होप करता हूँ आपको सारी चीजें जो है क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।